हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन नंबर 7 जो कि जे 2023 में पूछा गया फ्रॉम द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सो मैं यहाँ पर बेसिकली तीन पार्टिकल दे के रखे हैं और उनका डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें निकालना है, जिसका फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम। तो यहाँ पर तीन पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, अल्फा और प्रोटोन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिखूंगा, बिकॉज यहाँ पर मुझे पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी गिवन दे के रखा है। सो मोमेंटम का जो एक्सप्रेशन है वो है रूट टू एम इन टू कैपिटल ई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द रिलेशन ऑफ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखूंगा, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय उसका काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन में देके रखा है 4k। देन मैं लिखूंगा अल्फा पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वो आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2 इंटू अल्फा पार्टिकल का मास, जो कि होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटोन मल्टीप्लाइड बाय उसका काइनेटिक एनर्जी देके रखा है 2k। सो दैट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर अल्फा। देन प्रोटोन के लिए लिखा जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 एमपी मल्टीप्लाइड बाय उसका काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन में कैपिटल के देके रखा है। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही अगर हम अल्फा पार्टिकल और प्रोटोन के डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कंपेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली जो लैम्डा अल्फा है उसका जो एक्सप्रेशन, उसका डिनोमिनेटर ऑब्वियसली प्रोटोन से बड़ा है, इट इज 2 4 8 16 है और यहाँ पर सिंपली 2 है। तो यहाँ से क्लियर कट पता हमें चल रहा है कि लैम्डा ऑफ प्रोटोन इज बेसिकली ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन पता चल रहा है। बाकी अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन की, भले ही इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी दोनों पार्टिकल से ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो इन दोनों से बहुत कम है। जैसे कि प्रोटॉन का जो मास है वो अप्रॉक्सीमेटली 1843 टाइम्स जो है ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। तो इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होने के वजह से, भले इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है लेकिन मास में बहुत कम वैल्यू होने की वजह से इसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो दोनों पार्टिकल से ज़्यादा मिलेगा। इट मीन्स दैट लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे ज़्यादा है। और तुम ऑप्शंस के हिसाब से आंसर यहाँ पर रेफर कर सकते हैं, लैम्डा ऑफ अल्फा इज लेस देन लैम्डा ऑफ प्रोटोन एंड इट इज लेस देन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो सबसे ज़्यादा डी ब्रॉगली वेवलेंथ रहेगा इलेक्ट्रॉन का। सो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। थैंक यू।